नाज़रीन, अनंतनाग एक्सप्रेस की इस लाइव नशस्त में आप सबका खैर मुकदम है। मैं हूं जावेद सागर और आज हम आप पहुंचे हैं वनपो हायर सेकेंडरी में, जहां डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्च एंड स्पोर्ट्स की तरफ से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम का इनेकाद किया गया है। ये ओरिएंटेशन टीचर्स या मास्टर्स या जो रहबर खेल है उनके लिए है कि मुख्तलिफ जो गेम्स यहाँ पर खेली जाती हैं, जो स्कूलों में सिखाए जा रहे हैं, जो नए हमारे रिक्रूट्स हैं, अगर रहबर तालीम की हम बात रहबर खेल की बात करेंगे, वो कैसे पहले खुद सीखते हैं और यहाँ जब सीखने के बाद वो स्कूल में जाते हैं। आज चूंकि विंटर है और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ कम होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जो महकमा यूथ सर्च एंड स्पोर्ट्स अनंतनाग है उनके एहलकार ग्राउंड में है, उनके टीचर्स या बाकी फिजिकल टीचर्स हैं या इंस्ट्रक्टर्स हैं या रहबर खेल के जितने भी असातिज़ा हैं, वो यहाँ फील्ड में खुद सीख रहे हैं और कल वो बच्चों को सिखाएंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं मोहम्मद अब्बास डार, जो इंचार्ज है इस ओरिएंटेशन प्रोग्राम से। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या है और कैसे मदद करता है पहले इंस्ट्रक्टर्स को और बाद में हमारे स्टूडेंट्स को। जी, आपका खैर मुकदम है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब, जैसा कि आपने फरमाया खुद कि ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है फिजिकल एजुकेशन मास्टर्स टीचर्स और रहबर खेल, जो हमारे कुछ साल पहले ही इस डिपार्टमेंट में नए नए आए हैं, तो सबसे पहले हमने इसमें जो एक प्रोग्राम शेड्यूल जो टाइम टेबल बनाया है उसमें हमने वो गेमें डाली है जो आमतौर पर गैर मारूफ गेमें, जिन्हें हम कहेंगे कि गैर मारूफ, मतलब आमतौर पर यहाँ पे नहीं खेली जाती, ज्यादा नहीं खेली जाती हैं, तो जैसे वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट सब उसी की तरफ जाते हैं, तो हमने उससे थोड़ा डिफरेंट लाइन ली है ताकि जो बच्चे हमारे स्कूलों में है, क्योंकि 65 हम यहाँ ट्रेनीज है, तो ये जब 65 स्कूल्स में जाएंगे तो नेचुरली दे विल पास ऑन दिस टेक्निक्स टू देयर प्लेयर्स, तो इसलिए हमने कुछ एक तो हॉकी, जैसा कि आप जानते हैं हॉकी यहाँ सिर्फ एक ही गांव है जो खेलता था, तकिए बहरमशाह, जहाँ से हॉकी आपको पता है, तो हमने हॉकी का जो डिपार्टमेंट के ही इंस्ट्रक्टर है, तो हमने कोशिश की कि हॉकी को कम से कम इन 65 स्कूलों में या 12 जोन्स जो हमने 5-5 टीचर्स को 12 जोनों से लाए, इन 12 जोन्स में हॉकी ग्राउंड लेवल पे हम इसको फिर से रिवाइव करें, तो उस नजरिए से हमने हॉकी को चूज किया था। इस तरह से दूसरी एक गेम है सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल। सॉफ्ट बॉल और बेसबॉल हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ही खेलते हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द जो 11 जोन्स है, जो फार फ्लंग एरिया जैसे वाइलू है, अशमकाम हुआ या सुरगफारा हुआ या वेरीनाग हुआ, दूर दराज या काजीगुंड हुआ, तो वहां से जो टीचर्स आए हैं तो उनको हमने ट्रेन किया है। ये 6 दिन का कोर्स जो ओरिएंटेशन कोर्स डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने ऑर्गेनाइज किया था, तो हमने कोशिश की कि ये स्किल भी बच्चों की ग्राउंड लेवल पे उनको पहुंच जाए। तो इसी तरह से हमने एक और जो इसमें मैंने ऐड किया था एक और गेम, वो है राधर, मैं कहूंगा मास पीटी और मार्च पास को हमने इसलिए तवज्जो दी है क्योंकि मार्च पास हमें जब नेशनल डेज आते हैं, जैसे रिपब्लिक डे है या इंडिपेंडेंस डे है, तो उसमें टीचर्स को हमने थोड़ा सा यहाँ से रिफ्रेश किया, हालांकि ये जानते हैं, इनके इस थोड़ा सा इसको पॉलिश किया यहाँ इंस्ट्रक्टर साहिबान जो हमने तैनात किया। उसके अलावा एक और जो हमने ऐड किया है वो है लेजियम जी, जो आपने खुद देखा है, पहली बार शायद देखा होगा यहाँ, तो लेजियम को हम इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो लेजियम भी हमने इनको सिखाया है। तो इसके अलावा हमारा ये प्लान है कि इंशाल्लाह जो अगला एकेडमिक सेशन जो आएगा उसमें हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे 2-4 स्कूलों को लेके उधर इंस्ट्रक्टरों को 5-6 दिन या 7 दिन डिप्यूट करेंगे, वहाँ ग्राउंड लेवल पे ही हम बच्चों को ये लेजियम सिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ही मजा आता है जब ये। तो कितने अहम आप इसको मानते हैं ओरिएंटेशन प्रोग्राम? जाहिर सी बात है, जब आप स्कूल में जाते हैं आप पहले से ही ट्रेंड होते हैं, तो इसको थोड़ा सा मेमोरी रिफ्रेश होती है, और जो ये गेम्स है रूल्स बदलते रहते हैं, तो ये रूल्स जब बदलते रहते हैं तो इससे जो इंस्ट्रक्टर
होता है वो चूंकि इससे इन टच होता है, तो ये रूल्स जो नए नए रूल्स आते हैं तो ये सीख जाते हैं, क्योंकि आपको पता है अमेंडमेंट्स तो होती रहती हैं रूल्स में फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो इससे बहुत ही फायदा हमारे टीचर्स को भी होगा, इनडायरेक्टली ये फायदा दैट विल बी पास्ड ऑन टू द स्टूडेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे आवाज साहब जो इंचार्ज थे। तो फिरदौस साहब हमारे साथ एक इंस्ट्रक्टर हैं। फिरदौस साहब आप बताएं आप कौन से इंस्ट्रक्टर, किस गेम के? सर मैं हैंडबॉल प्लेयर हूँ, मैं हैंडबॉल 2 times गोल्ड मेडल रह चुका हूँ। सर अभी मैं एज फिजिकल टीचर काम कर रहा हूँ यूथ सर्विस एंड सपोर्ट्स में। सर आज हम यहाँ हमारे DYSO अनंतनाग, इन्होंने हमें यहाँ पे ओरिएंटेशन कोर्स के लिए भेजा है एज RP। तो सर यहाँ पे 12 जोनों से पाँच पाँच टीचर आए, REKs आए हैं, टीचर्स आए हैं, मास्टर्स आए हैं, सबको यहाँ सर गेम्स के रूल एंड रेगुलेशन मैंने सिखाई है। आज सर इसका लास्ट दिन है, इनको मैंने सिखाया बेसिक्स क्या होती है, पासिंग कैसी होती है, ड्रिबल कैसी होती है, पास कैसे देना है, शॉट कैसे मारना है, ये सर इनको मैंने तकरीबन ऑलमोस्ट सबको ट्रेंड किया है। नेशनल खेला है सर, 2 times गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल तो किस आपने खेला है? सर हैंडबॉल। हैंडबॉल तो सर कितना अच्छा लगता है आपको जब? सर बहुत अच्छा सर, सर ये तो वर्ल्ड सेकंड फास्टेस्ट गेम है। बिल्कुल सर बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को फिट कर, अपने टीचर्स को फिट करना है, पूरे यूथ को फिट करना है। आजकल सर इसमें ये भी फायदा, इसमें SRO 349 होता है, जो भी नेशनल प्लेयर है, गवर्नमेंट जो हमारा जो हमारी गवर्नमेंट है LG साहब ने इसका भी नया है, इसमें पूरे साल की 30 पोस्ट होती है। अब इसका पांच पोस्ट गेजेटेड, जिसका नेशनल मेडल होगा, इंटरनेशनल होगा, ओलंपिक होगा, उसको जो आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन 349 SRO होता है इसका, वो फिर आगे इनको सर जैसे इसकी क्वालिफिकेशन होती है। स्टूडेंट से सर मैं यही कहूंगा अपने टीचर से, जो जिन्होंने यहाँ सीखा ये आप इम्प्लीमेंट करो अपने स्कूलों में, अपने स्कूलों में इम्प्लीमेंट करो ये, ताकि हर जोन से टीम आएगी, ज़्यादा अच्छा कंपटीशन रहेगा इसमें, अच्छा हमारे अच्छे निकलेंगे बच्चे, वो आगे वो इंशाल्लाह नेशनल खेलेंगे, इंटरनेशनल खेलेंगे। एक और हमारे साथ है रहबर खेल, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम वसीम राजा है और मैं रहबर खेल फिजिकल टीचर हूँ। तो मैं पहले DYSO अनंतनाग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम यहां पे इनेकाद किया। ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इससे हमारे जो स्किल है वो डेवलप हो जाते हैं और टेक्निक डेवलप हो जाती है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम का मतलब है कि जो नई गेमें अभी इम्प्लीमेंट हो रही है उनको स्कूल लेवल तक हम ले जाए, इसीलिए डिपार्टमेंट ने आज हमें यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी है। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो हमारे RPs है, तालिब सर है, गुलाम हसन सर है, फिरदौस सर है, कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो इनके पास नॉलेज थी हम पे इम्प्लीमेंट की है। कितना अहम आप ओरिएंटेशन प्रोग्राम को? ओरिएंटेशन प्रोग्राम बड़ा ही अहम होता है ताकि जो हमारी जो स्किल है वो रिफ्रेश हो सके, और हमारा मकसद ये यही कि हम बच्चों तक ये जो गेम नई इम्प्लीमेंट होती है इनको बच्चों तक पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो शब्बीर अहमद शाह फिजिकल एजुकेशन मास्टर हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या है ये ओरिएंटेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह, वेरी गुड विशेस टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स, dear colleagues and RPs who were assembled here for the specific reason that was orientation course organized by the Department of Youth Service and Sports. Finally, this is a best initiative by the department. I would like to thank Director General Youth Service and Sports and other associate joint director Youth Service and Sports, district Youth Service and Sports officer and district administration rather, that is involved with this the whole program. The initiative and the specific program that is being organized for the reason of the implementation of the all programs, rather the new programs that are being introduced in the department, it is very compulsory for the refresher course ke ye jo all programs hain inko baroi kar laye apne school level tak laye, jaisa hamare marching hai yahan pe refreshing ho gaya, 26 january hamara hota hai, 15th of august hota hai, to ye jo hamare jab jo sub trainers hain ye itne trained ho gaye ki ye ab school level tak apne is hunar ko baroi kar lakar apne schools mein ye hunar azmayenge, aur inshallah department ki shaan badhegi, department ki izzat badhegi aur department aage के दिन ब दिन तरक्की करेगा। आप जानते हैं कि औरतें भी खेल कूद में किससे पीछे नहीं है, तो इंस्ट्रक्टर हमारे साथ फीमेल इंस्ट्रक्टर, आप अपना नाम बताएं। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज उस्मत शाबान, आई एम शॉर्ट बॉल कोच आल्सो, आई प्लेड शॉर्ट बॉल कोच, यस सर, आई प्लेड 45 नेशनल्स एंड 2 times सिल्वर मेडलिस्ट एंड 1 time ब्रॉन्ज मेडल। बहुत अच्छे, तो क्या आप यहाँ पे सिखाती है खासकर आज? जी सर, जो मुझ में स्किल्स है मेरी गेम के
मैं वो टीचर्स को सिखा रही हूँ क्योंकि ये अपने स्कूल में जाके अपने बच्चों को ट्रेन करें, क्योंकि उससे हमारे जेएनके को फायदा होगा, हमारे डिस्ट्रिक्ट को फायदा होगा और हमारे स्कूलों को फायदा होगा जहाँ पे हम काम कर रहे हैं, कि जो हमारे तक स्किल है वो हमारे बच्चों तक भी पहुँचना चाहिए, ना कि हम तक वो रहने चाहिए। और तो उसे आप क्या कहेंगे लड़कियों से कि वो खेल कूद की तरफ रागिब हो, तो कितना स्कोप है लड़कियों के लिए इस खेल कूद में? सर स्कोप एक जैसा, जैसे मेल्स के लिए वैसे फीमेल्स के लिए भी है। और सर जो शॉर्ट बॉल है वो ए क्लास कैटेगरी गेम है, ये SRO 349 में आते हैं, इसमें 25 रिजर्व सीट रखी होती है गवर्नमेंट ने, जेएनके गवर्नमेंट ने। जो भी इसमें मेडलिस्ट है, चाहे आउटस्टैंड स्पोर्ट्स पर्सन है, चाहे मेडलिस्ट हो, इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन हो किसी के पास, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आराम से जॉब लग सकती है उसकी। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन आपने देखा कि यहाँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम आज DYSNR नाग की तरफ से किया गया था, जहाँ पे टीचर्स को सिखाया गया कि वो नई जो गेम्स इंट्रोड्यूस हो रही है वो कैसे खुद सीखें और कल बाद में स्कूल में सिखाएं, स्टूडेंट्स को सिखाएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।